स्टूडेंट्स आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक है एसी जनरेटर। पावर जनरेटर्स जो प्लांट्स पे होता है वहाँ एक जनरेटर होता है जो बिजली बनाता है और स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा वो हाई वोल्टेज पर सप्लाई पावर सप्लाई लाइंस के द्वारा भेजा जाता है शहरों तक, जहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो लो वोल्टेज करके और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए या घरेलू पर्पज़ के लिए भेज देता है। घरेलू पर्पज़ में 220 वोल्ट ही चाहिए और हाई वोल्टेज पर भेजने का वजह पावर लॉस कम होता है। जो लाइनें होती हैं उसमें पावर लॉस कम होता है। तो आज हम लोग इस जनरेटर के बारे में ही पढ़ेंगे। इस तरह के जनरेटर सेट आपने देखा होगा जहाँ पर भी कि डीजल या पेट्रोल के द्वारा ये बिजली बनाते हैं। सभी में एक क्वाइल और एक मैग्नेट का अरेंजमेंट होता है और जिसमें रिलेटिव मोशन से फ्लक्स चेंज होता है और फैराडेज लॉ के अनुसार जिसमें कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है और करंट इंड्यूस करंट बनती है। कुछ एक्चुअल डायग्राम दिखाए गए हैं, कुछ जो है डायग्राम समझने के लिए दिखाए गए हैं, जहाँ एक मैग्नेट को घुमाया जा रहा है और कॉइल्स में बनता है। और ये जो है एक मोटर है, जनरेटर है, जिसमें शाफ्ट दिखाया गया है जो रोटेट होगी। उसके बगल में कॉइल है और कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। यहाँ पर एक मोटर है, मोटर में अगर करंट देंगे तो ये घूमने लगेगा, परंतु अगर हम इसको घुमाएं तो ये अब दोनों किनारों पर इलेक्ट्रिसिटी देने लगेगा। यहाँ विंड मिल में जनरेटर पीछे होता है, जब हवा से चरखी घूमती है तो बिजली बनती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में पानी गिरता है टर्बाइंस पर और वो टर्बाइंस घूमने लगती हैं जिससे शाफ्ट घूमता है और कॉइल और मैग्नेट का अरेंजमेंट रिलेटिव मोशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बनाता है। यहाँ पर एक मैग्नेट रखा हुआ है जिससे फील्ड लाइन साउथ पोल की तरफ जाती है। और ये एक बेसिक डायग्राम के द्वारा समझाने की कोशिश है कि एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट बाहर से घुमाया जाता है और इस कॉइल के दोनों सिरे दो रिंग से कनेक्टेड हैं और वो कॉइल घुमाने के साथ वो स्लिप रिंग्स भी घूमती रहती हैं और उसके साथ उसको दो ग्रेफाइट की बहुत ही स्मूथ ब्रशेस टच करती रहती हैं घूमने के दौरान। और जब ये टच करती हैं तो कॉइल में जो भी करंट बनती है वो ब्रश में आ जाती है और ब्रश से वो सप्लाई हो जाती है, जहाँ पर एक पर प्लस माइनस आधे रोटेशन में और अगले आधे रोटेशन में माइनस प्लस उल्टा हो जाता है। प्रिंसिपल जनरेटर का है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हेन द फ्लक्स इन ए कॉइल चेंजेस देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डेवलप्ड अक्रॉस इट। अब हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन। मैग्नेट के बीच में एक एन टर्न्स की कॉइल ऐसे रखी होती है कि वो उसको खूब तेज घुमाया जा सके और कॉइल के दोनों किनारे मेटैलिक रिंग से वेल्डिंग होते हैं, कनेक्टेड होते हैं और वो घूमने के साथ स्लिप रिंग खूब तेज घूमती हैं कॉइल के साथ और वो फिसलती रहती हैं। उसके ऊपर से एक ब्रश होता है ग्रेफाइट का कंडक्टिंग, वो उस पर टच करके फिसलता रहता है, कॉइल्स उसमें स्लिप करके घूमती हैं। और जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का एक डिवाइस है जिसमें कॉइल होती है, शाफ्ट को रोटेट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। कॉइल को आर्मेचर कहते हैं और बाहरी हेल्प से कॉइल को घुमाया जाता है जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स बनती है और ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। वर्किंग इसका पढ़ेंगे। मान लीजिए कॉइल के किनारों को हम नाम दे दें पी क्यू आर एस और पी क्यू पर ध्यान केंद्रित करें। जब ये कॉइल को घुमाया जाएगा तो पी क्यू अपवर्ड मोशन कर रहा होगा और आर एस नीचे जाएगा। पी क्यू पर मैग्नेटिक फील्ड दाहिने दिशा के तरफ लगा हुआ है
और इसका मोशन अपवार्ड है। तो इंड्यूस करंट के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ये कहता है कि तीनों उंगलियों को अगर परपेंडिकुलर करें तो थंब ऊपर रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर जो है साउथ पोल के तरफ रहेगी, तो करंट जो है क्यू के तरफ जाएगी। और इसी का उल्टा आर एस में होगा, करंट आर से एस के तरफ आएगी क्योंकि आर एस तो नीचे धंस रहा है, इसलिए आर एस का किनारा प्लस बन जाएगा और पी वाला किनारा माइनस बन जाएगा। आधे रोटेशन के बाद पी क्यू साउथ पोल के तरफ आ जाएगा जबकि आर एस नॉर्थ पोल के तरफ पहुंच जाएगा, और दोनों के रोल बदल जाएंगे। अब आर एस ऊपर उठेगा जिससे उसमें जो करंट होगी वो एस से आर हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी, और तब जो पोलैरिटी हो जाएगा दोनों का पुनः उल्टा हो जाएगा। इस तरह से एक रिंग में करंट, एक रिंग की पोलैरिटी प्लस माइनस होती रहती है क्योंकि आधे समय में वो एन के पास ऊपर उठता है, आधे समय में वो साउथ पोल के तरफ जाता है जिससे उसमें करंट बदल जाती है। अब इस जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है ये आधे रोटेशन में 0 से पॉजिटिव और निगेटिव होता रहता है, और इसको ब्रशेस के जो दो पॉइंट्स हैं वहाँ से कनेक्ट करके सप्लाई होता है। मान लीजिए ये आर्मेचर है जिसका प्लेन दिखाया गया है, जिसका नॉर्मल एन से दिखाया गया है यूनिट वेक्टर से, और इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्मल से थीटा एंगल बनाता है। तो हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। फ्लक्स होता है एन बी ए कॉस थीटा, जहाँ एन नंबर ऑफ टर्न्स है, बी मैग्नेटिक फील्ड है और ए एरिया ऑफ क्वाइल है, और कॉस थीटा द थीटा इज शोन। थीटा जो है अगर क्वाइल को ओमेगा स्पीड से घुमाया जाए तो ओमेगा जो वेलोसिटी है दैट इज एंगल अपॉन टाइम, दैट इज ओमेगा इज थीटा बाई टी, दैट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। जहाँ सपोज ओमेगा कांस्टेंट स्पीड से घुमाया जा रहा है क्वाइल को, तो एन बी ए कॉस ओमेगा टी ये फ्लक्स हुआ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ फैराडे लॉ के अनुसार पाया जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के द्वारा जो कि क्वायर के किनारों पर बनेगा। सपोज वो ई है तो माइनस ई डी फाई बाई डी टी फैराडे लॉ के अनुसार, और जिससे कि इसका डिफरेंशियल करेंगे तो एन बी ए कॉस के जगह पर साइन हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। लेकिन जो ओमेगा हो वो कांस्टेंट है ओमेगा टी, तो इसलिए ओमेगा का फैक्टर भी बाहर निकल जाएगा, अतः इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा माइनस एंड माइनस दो बार, तो प्लस हो गया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस वन के बीच में बदलता रहता है एंगल के अनुसार, और एन बी ए ओमेगा एम्पलीट्यूड जैसा है जो कि बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा रोटेशन के अनुसार, साइन थीटा की वैल्यू के अनुसार ईएमएफ की वैल्यू घटती बढ़ती रहेगी। तो इंस्टेंटेनियस किसी क्षण जो ईएमएफ बनेगा वो साइन ओमेगा टी पर डिपेंड करेगा। अब हम साइन थीटा को प्लॉट करेंगे। साइन 0 के लिए वैल्यू 0 देता है, साइन 90 डिग्री के लिए वैल्यू मैक्सिमम देता है। तो ईएमएफ हुआ एन बी ए साइन ओमेगा टी, 0 के लिए 0। अब मान लीजिए एक्स एक्सिस की तरफ टाइम दिखाएं या एंगल दिखाएं थीटा, और वाई एक्सिस के तरफ ईएमएफ का वैल्यू दिखाएं, तो एक साइकिल एसी का होगा टाइम टी, यानी जब एक कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा। टी बाई टू मतलब कॉइल का आधा रोटेशन और उसका आधा क्वार्टर रोटेशन। तो अगर ओमेगा टी से एंगल निकालें, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, तो टाइम के जगह पर अगर हम लोग ये भर दें टी बाई फोर, टी बाई टू या कैपिटल टी, तो एंगल निकल जाएगा ओमेगा इज
टू पाई बाई कैपिटल टी, और स्मॉल टी के जगह पर मान लीजिए हमने भर दिया कैपिटल टी, तो वो टू पाई दे देगा। इसी तरह टी बाई फोर भरने पर एंगल बनेगा पाई बाई टू, टी बाई टू भरने पर एंगल दे देगा टू पाई। अब साइन थीटा जब प्लॉट होगा तो ये इस तरह से कर्व जनरेट होगा, और इसका जो एम्पलीट्यूड है उसको ई जीरो से दिखाया जाएगा, जिसे मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। और जो ईएमएफ होगा वो इस तरह से साइन वेव के जैसा जीरो से ऊपर प्लस माइनस होता रहेगा। अब हम देखें कि कैसे साइन वेव बनती है। मान लीजिए टी इक्वल टू जीरो पर जो क्वाइल का प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा से परपेंडिकुलर है, तो जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ वो जीरो एंगल बनेगा, जबकि ईएमएफ बनेगा ई जीरो साइन ओमेगा टी। तो जीरो की थीटा जीरो टी टाइम जीरो पर, तो ईएमएफ जीरो हो गया, इसलिए यहाँ कर्व में जीरो दिखाया गया है। अब जो है क्वायल जो है रोटेट हो जाती है, क्वार्टर रोटेशन हो जाती है, 90 डिग्री रोटेट हो जाती है, तो इसका नॉर्मल डाउन हो जाता है मान लीजिए, तब एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, और साइन 91 हो जाएगा, इसलिए ईएमएफ मैक्सिमम हो जाएगा। अब रोटेशन के दौरान अब देखेंगे कि कॉइल 180 डिग्री रोटेट कर गई, इसका नॉर्मल जो है वो बाएं तरफ हो गया और मैग्नेटिक फील्ड दाएं तरफ हो गया, इस वजह से साइन 180 का डिग्री जीरो हो जाएगा, वैल्यू जीरो हो जाएगा और ईएमएफ जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट एंगल हम लोग देखेंगे कि 270 डिग्री के लिए साइन का वैल्यू -1 हो जाएगा और ईएमएफ जीरो होगा, और 360 के लिए यानी वन कंप्लीट रोटेशन के लिए जिसमें एस आर आर्म जो है ऊपर ही हो गई पहले जैसा, तो ये ईएमएफ जीरो हो जाएगा। इस तरह से एक कंप्लीट साइन वेव जनरेट हो जाएगी जिसमें वोल्टेज जो होगा जीरो से प्लस के तरफ और जीरो से माइनस के तरफ मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड के बीच में बदलता रहेगा, और यही एसी वोल्टेज है। एसी एक नाम एसी करंट के लिए होता है, लेकिन ये प्रचलित हो गया है अल्टरनेटिंग वोल्टेज। हाफ हाफ रोटेशन टी बाई टू और कंप्लीट रोटेशन कैपिटल टी के द्वारा दिखाया गया है। स्टूडेंट्स, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।